हम लेने आए एक बोतल दो कौए। इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होगा। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो हम किस लिए आपको दिखा रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। कोरोना 2.0 ने देश की राजधानी दिल्ली को काफी प्रभावित कर दिया है। हालात ये हुए हैं कि आज दिल्ली के सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया, वैसे ही दिल्ली के बाजारों में हलचल तेज हो गई। दिल्ली की कई मार्केट्स में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। यहां लोग एक एक पेटी शराब बियर की बोतलें खरीद कर ले जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि बिना पिए नींद नहीं आएगी। ऐसे में आपको यकीन नहीं होगा कि इस महिला ने आखिर ये क्या कहा है और क्यों कहा है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार फिर से सुनिए और पूरा सुनिए। हम लेने आया एक बोतल दो कौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे, जो शराबी है। तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी, ये लेती हूँ एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। हाँ, ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा और सुना किस तरह से बाजारों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन जरा ठहरिए और एक बार फिर से समझिए कि जिस तरह से लोग भारी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं शराब की दुकानों के बाहर, क्या कोरोना का स्प्रेड तेजी से नहीं बढ़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम जनता पूछ रही है। लेकिन शायद इन लोगों के लिए जिंदगी से ज्यादा जाम जरूरी है। लेकिन लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको सावधान कर रहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले। जरूरी सेवाएं आपके घर तक भी आएगी और आप जाकर आराम से जरूरी सेवाएं का कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जाम जैसी जगहों पर और शराब की दुकानों पर भीड़ लगाना कहां की समझदारी है? क्या ये लापरवाही नहीं है और क्या ये कोरोना विस्फोटक नहीं हो सकता? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज जहन में आ रहे हैं।